हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतू। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी सोचने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है उस पर ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप अपनी सेहत का ख्याल रख सको, वो भी आयुर्वेदिक नुस्खे से। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सोचने की क्षमता के बारे में। ये एक किस्म से साइकोलॉजिक डिजीज होती है, यह किसी से किसी को जन्म से भी हो सकती है, या फिर ज्यादा हाइपरटेंशन ज्यादा टेंशन रखने वालों को भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर जिसका हाई या फिर लो रहता है उसको भी बीमारी हो सकती है। बीमारी ऐसी है दोस्तों, जैसे भी कोई किसी को भी ये महसूस होता है कि मैं कोई भी चीज रख के कहीं मैं भूल जाता हूँ, या फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग वैसे खराब खराब सा रहता है, तो आप इस नुस्खे का यूज कर सकते हो। इसका यूज आप बच्चों बूढ़ों महिलाओं पर भी कर सकते हो। अब वो 18 या फिर 20 साल से ऊपर हो जाते तो हमको खुद पता लग जाता है कि मेरे दिमाग की हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन बच्चा होता है उसके हमें देखकर पता लगाना पड़ता है, हाँ भाई इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। तो नुस्खा क्या दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया, आप वहां से भी उसको देख सकते हो और समझ सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, आपने करना क्या है, हमें 2 किलोग्राम कच्चे आंवले लेने हैं। आंवले आपने सभी ने देखे भी होंगे, अब आजकल तो सीजन भी चला हुआ है। हमने 2 किलोग्राम कच्चे आंवले लेने हैं, उसको छोटे छोटे पीस में काट लेना, जैसे 1 आंवले के 4 या 3 पीस हमने कर लेने हैं। अच्छे से उनको काट के उनके पीसेस बना के हमने एक कांच का बर्तन लेना है, जैसे बड़ा जो ऊपर से जिसका ढक्कन बंद हो सके, उस कांच के बर्तन में हमने उनको डालना है। उनको डालने के बाद उनमें हमने 800 ग्राम या फिर 750 ग्राम के करीब करीब हमने उनमें शहद मिला देना है। शहद मिलाने के बाद हमने करना क्या है, उसको धूप में सुखा देना है। धूप में सुखाने के बाद 15 दिन तक उसको धूप में सुखाने देना है, 2 या 3 घंटे हमने उसको धूप में रख देना है। 15 दिन तक हम उसको रख देते हैं, उसके बाद हमने उसको धूप से हटा लेना है, फिर हमने उसको ठंडी जगह पर रख देना है। उसका सेवन कैसे करना है, हमने 1 तोला यानी कि 10 ग्राम 15 ग्राम के करीब हमने वो पीसीज उठाने हैं, और दूध को आपने गर्म करना है, बाद में ठंडा करना है। गर्म करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए उसके साथ हमने उसको यानी कि 10 या 15 ग्राम सुबह 10 या 15 ग्राम शाम को हम उसका सेवन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है तो उसको कम दीजिए, बड़ा है तो 10 या 15 ग्राम लीजिए, सुबह शाम इसका सेवन कीजिए। आप देखोगे कि आपकी स्मरण शक्ति इसके साथ लेने के साथ साथ बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी, आपका बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा, आपका दिमाग बड़ी तेजी से काम करने लगेगा, दिमाग काम करने मन लगेगा, कुछ भी आप भूलो नहीं। अगर कोई स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा पढ़ाई में भी मन लगेगा और दिमाग की स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने लाल मिर्च का और तली हुई चीजों का परहेज रखना है, या फिर खटाई का भी इसमें हमने परहेज रखना है, इन चीजों से हमने दूर रहना, तो आपकी सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाएगी, और सोचने की क्षमता ज्यादा होने के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम इसका सेवन करते हैं तो आंवले को हमारे बालों का झड़ना ही बंद हो जाएगा, हमारे बाल सफेद है तो वो भी काले हो जाएंगे, छोटी मोटी अगर कोई एलर्जी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मैं आपको यहीं बताना चाहता कि आंवले के क्या फायदे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स कीजिए, मैं उसी टाइप की वीडियो आपके सामने पेश करूंगा ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो मेरे अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है उस पर ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों लोगों तक जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए और वो भी इस फायदे का लाभ उठा सके। 2 मिनट लगेंगे दोस्तों देखने के बाद, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड जरूर कीजिएगा, मुझे भी सपोर्ट होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, कीमती टाइम निकाल कर मेरी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।